हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? नॉन क्या चीज़? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सब लोग फटाफट, नॉन स्टाइकियो मैट्रिक डिफेक्ट। अब ये सोच रहे हैं ये क्या होता है, इसको हिंदी में भी यदि बोलेंगे ना हम लोग तो हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में ऐसे लिखेगा हिंदी वाले, नॉन स्टाइकियो मेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। अब समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर होता क्या है। जैसे कि हम लोग डिफेक्ट पढ़े थे, डिफेक्ट में बहुत सारे दोष पढ़े थे, यानी पॉइंट डिफेक्ट था, लाइन डिफेक्ट था, फिर पॉइंट का प्रकार टाइप्स आया था, फिर आपका स्टाइकोमेट्रिक में टाइप्स आया था, फ्रेंकल था, शॉर्टकिट था, इंप्योरिटी डिफेक्ट वगैरह पढ़ चुके हैं। और ठीक है, उसी प्रकार अभी देखेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग सीखे थे द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्रिक, मतलब विच डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि इस डिफेक्ट में होता क्या है, उसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, उसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग पढ़े थे द डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं आप द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए हेडिंग लगाइए, फटाफट हेडिंग लगाएं आप लोग। लगा ली हेडिंग, चलिए लिखिए। लिखेंगे बच्चों, एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और आराम से, और जिनका पढ़ा भी है वो रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि देखिए टाइम को हमें मतलब फालतू बर्बाद नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और हो सके तो आप लोग क्या करें, पढ़ने के अलावा भी और कुछ कुछ आपका क्रिएटिविटी होना चाहिए जिससे आप बोर ना हो, जिससे आप बोर ना हो। तो देखिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक, तो दिमाग को फ्रेश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्रिएटिविटी होना चाहिए, है ना। जैसे कभी पानी पड़ रहा है तो उसको आराम से देखिए, एकदम मुस्कुरा, क्या बात है, वर्षा हो रही है, मजा ले रहे हैं, ठीक है। चाय पी रहे हैं तो उसका मजा लीजिए, हर चीज़ का मजा होता है। इसलिए जब पढ़ते हैं तो इसमें भी क्या करें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें। अब क्या है, हम दोस्त के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? दोस्त के बारे में। लेकिन हम लोग क्या करें, अपना दोस्त को भी कभी कभी पॉजिटिव वे में लेते हैं, वो भी कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि वो थॉट पे डिपेंड करता है। अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं है, वो आपका सोचने पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब हमें जो है, हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए, टाइम को फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वीडियो देखते हैं, कभी कभी लोग वीडियो देखते समय भी टाइम बर्बाद कर, इतना खतरनाक होता है आज के स्टूडेंट, वीडियो देखते देखते भी टाइम बर्बाद कर देता है। कैसे? मान ली वीडियो देख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट में मतलब ऐसे भी हैं, बहुत सारे इतना टैलेंटेड होते हैं सब, मान ली वीडियो देख रहे हैं, उसी समय मैसेज आ गया किसी का। अब क्या करेगा, वीडियो को रोकेगा, पहले मैसेज करेगा। आजकल तो मैसेंजर वगैरह आ गया है, वीडियो चल भी रहा है, इधर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इतने सारे सुविधाएँ हैं, तो कहने का मतलब ये टाइम पास हुआ, इसलिए उस समय सब कुछ बंद। अभी से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अभी इसको फोकस कर लीजिए आराम से। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे या सब्जेक्ट में, सब बनेगा आपको। अब फोकस ही नहीं रहेगा तो फिर है ना कुछ नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड
नॉन स्टोइकियो मेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या है यहां पे, द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हिंदी वाले सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। अरे भाई देखिए, आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को याद रखें। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यदि आपको याद है, अरे भाई तो वहां पे क्या लिखा हुआ था कि वहां जो स्टोइकियोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करता है, और यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्टर्ब करता है ना। डिस्टर्ब का मतलब आप बोल सकते हैं, डिस्टर्ब मतलब एक तरह का विचलन भी होता है। क्या होता है, विचलन या परिवर्तन, है ना, विचलन या परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हम अभी ऐसे खड़ा है, इस तरह से आराम से खड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अचानक जैसे कोई उड़ ऐसे हो गया, तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, डिस्टर्ब। ये क्या आपका मतलब, जिस पोजीशन पे जो चीज़ है वो अपना पोजीशन को यदि चेंज करता है, यानी कि बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोलते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, और आपके बगल में आपका शैतान दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए वो बोल रहा है चलो एक बार खेल लेते हैं, आप पढ़ने के मूड में, वो आपको खेलने के लिए बोल रहा है, तो करने का मतलब क्या हो गया, पढ़ा आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, है ना। फिर अभी कोई काम करते रहते हैं, मतलब बारीकी से यदि कोई आपके कुछ बोल देता है या कुछ कर देता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब, डिस्टर्ब कब आता है किसी चीज़ में, कोई एक स्टेट में है और मतलब किसी पोजीशन में है, और अचानक आके उसको कुछ अलग डायरेक्शन दे देता है, तो उसको हम डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बदलाव, परिवर्तन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखें, और समझ में आता है या कोई दुख दर्द रह जाता है, कमेंट में जरूर लिखें। आप लोग वीडियो देख के मत छोड़, चूंकि आजकल के जो स्टूडेंट है और उसके बारे में क्या बोला जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके पास टाइम भी नहीं है। मतलब गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, उससे भी बढ़ के हो गया आज के स्टूडेंट। क्यों, चूँकि जो काम करना रहता है वो ना करके फालतू काम हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये जब देखते हैं वीडियो, कोई दुख दर्द होता है, दुख दर्द मतलब समझते हैं कि नहीं कुछ दिक्कत है, जैसे फीवर आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो इंजेक्शन देंगे, इधर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, कमेंट करें कि यहाँ पे हमको दिक्कत है, कोई कमेंट नहीं करता, सब जो है पत्थर बन चुका है। क्या बन चुका है, पत्थर, एकदम मूर्त जैसा, एकदम स्टेच्यू बन के देख लिया, और देखते देखते कोई तो कोई सोच जाता है, कलम भी नहीं उठाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कभी कभी देखते हैं, कभी कॉल किए थे फ़ोन पे तो पूछे सब लोग नोट कर लीजिएगा, तो एक बोलता हम तो नोट नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। वाह, आईना है, देख रहे थे। तो जिस तरह से आईना में हम लोग खड़ा होकर देखते हैं ना, जब तक देखते हैं तभी तक रहता है चेहरा हमारा, और वहाँ से भागते हैं तो चेहरा भी क्या होता है, भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि वीडियो को सिर्फ आप देखते हो, लिखते नहीं हो, उसी प्रकार वो भी चला जाएगा। इसीलिए लिखने की आदत डालिए, लिखने की। जब तक आप एग्जाम के हॉल में एग्जाम नहीं देते हैं, तब तक आपको जी जान से पढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपका चेहरा जैसे आईना से भाग जाएगा। सही बात है कि नहीं, आईना के सामने हम लोग खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है, जब तक हम खड़े हैं तब तक क्या है, चेहरा दिख रहा है। मुंह टेढ़ा करके देखिए, ऐसे करके देखिए, वैसे करके देखिए, दिखेगा। और जैसे ही आईना से हम लोग भागते हैं, हमारा चेहरा भी गायब हो, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को ऐसे एकदम लगा लेते हैं, ऐसे करके तकिया लगा पूरा एकदम सूत के आराम से देखते रहते हैं। उस समय यदि नींद आ गई, वीडियो चल रहा है, सुतल है। दूसरा क्या है, वीडियो देखते हैं लिखते नहीं है, वीडियो देखते हैं उसको नोट करते नहीं है, लिखने की आदत नहीं डालते, तो इसमें भी दिक्कत क्या होता है, ये भी भाग जाएगा। जैसे आपका चेहरा भाग जाता है, आपको हटने से, आईना से चेहरा भी आपके साथ चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वीडियो खत्म होने के साथ, लेक्चर खत्म होने के साथ भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब कॉपी में उतारिए, उसको निकालिए, उतारिए किसी चीज़ पे, क्या करें, लिखने की आदत डालें। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं कि वैसे दोस्त, इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, वैसे दोस्त जो पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन लाता हो, तो उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक
दोस्त कहते हैं। अब ये बोल रहे थे कि ये कैसे, तो यहां परिवर्तन लाने का मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए आप जो है NaCl को लीजिए, किसको लीजिए, NaCl को लीजिए। अब ये जो दोष पाया जाता है, अब जैसे NaCl को लीजिए, इसको इस बुड़बक को गर्म कर दीजिए सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, सोडियम वेपर। वेपर का मतलब क्या होता है, वेपर का मतलब बाष्प होता है, तो सोडियम लेंगे और सोडियम वेपर के एटमोसफेयर में इसको हीट कर देंगे। अब इसका कलर ये चेंज हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि एफ सेंटर के कारण होता है। तो आगे बताएंगे एफ सेंटर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम का जो, जैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका जब लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो Ne होता है और 3s कितना होता है, 1 होता है। तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए 3s 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इसका कोई जोड़ी है, कोई जोड़ी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो ऋणायनिक स्थान, जैसे सोडियम में ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये बुड़वा क्या करता है, इसका जगह को घेर लेता है। तो दिक्कत हुआ कि नहीं, दिक्कत हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, NaCl का जो क्रिस्टल था डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, चूंकि Na के प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट किए, मतलब Na के प्रेजेंस में, Na के वेपर यानी कि सोडियम वेपर जिसको अल्कली मेटल भी कहा जाता है, तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में यदि हम लोग किसको, मतलब NaCl को गर्म किए, तो यहाँ पे घटना क्या घटी, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ऋणायनिक मतलब एनायनिक साइट को घेर लेता है, मतलब ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे गलत हुआ ना, तो गलत हुआ तो कहने का मतलब डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, एक जो क्रिस्टल है NaCl का, इसमें डिस्टर्बेंस आया कि नहीं, मतलब इसमें परिवर्तन आया कि नहीं, आया परिवर्तन, इसीलिए इसका इसका नाम क्या रखा है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चे इसको याद रख सकते हैं आप, है ना, सब सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, है ना। तो क्या यहाँ पे द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्री ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे, देखो अच्छे से, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, वैसे दोष जो पदार्थ के स्टाइकोमेट्रिक में परिवर्तन लाता, उसमें परिवर्तन नहीं ला रहा था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, परिवर्तन लाता हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए इसका जो है, इस बुड़बक का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका, इसको दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। यदि कोई पूछे हमने टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट वन मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन व्हाट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग अभी चर्चा करेंगे इत्मीनान से किसके बारे में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग क्या करें, फटाफट इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें। चलो अब देखते हैं हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, देखो ध्यान से और याद करते जाए, नॉन स्टाइकोमेट्रिक को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके। इसको कितने भागों में बांटा गया बच्चे, दो भागों में। इस बुड़बक का दो खानदान है, पहला जो है, पहला का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसी में आपको पढ़ाएंगे एफ सेंटर। अब इसका जो मतलब होता है, मेटल एक्सेस का मतलब समझ में आता है, एक्सेस आ रहे हैं समझ में, एक्सेस होता है क्या, जैसे कभी कभी आप कहीं गए, खाना खा रहे हैं, मान लीजिए क्या खा रहे हैं, खाना, दस रसगुल्ला खा लिया किसी प्रकार, और ऊपर से कभी कभी होता नहीं, कहीं पे चले गए तो ज़्यादा नज़दीकी आदमी हुआ तो क्या बोलेगा, दो और मेरे तरफ से, दो और, आप कहाँ लोगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हम क्या बोलने लगता है, अब नहीं लेंगे, क्या हो गया, एक्सेस हो गया, क्या हो गया, एक्सेस। एक्सेस का मतलब अधिक हो जाना, मतलब आवश्यकता से अधिक हो जाना, मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हुए हैं और आपके बगल में एक दोस्त है जो जिसके पास पेन नहीं है, आप एक पेन से काम चला सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त जो है ठन गोपाल है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब यदि आपको मांगेगा तो आप दे सकते हैं, क्यों, चूंकि आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा है, आपके पास एक पेन होना चाहिए लेकिन आपके पास कितना है, दो, तो आपके पास एक्सेस कितना हो गया, एक। तो एक्सेस का मतलब सबको समझ में आ गया, अधिक क्या होता है, ठीक है।
और डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि या दोष, त्रुटि या दोष। और मेटल का मतलब सब तो पता है, ट्वेल्थ का स्टूडेंट है तो आपको पता है क्या होता है, धातु। अब हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, धातु अधिक्य दोष। क्या बोलेंगे इसको, धातु अधिक्य, धातु अधिक्य दोष। आ रहा है समझ में सबको, धातु अधिक्य दोष। अरे सीधा ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे मेटल ज्यादा हो जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा, यानी कि मेटल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मेटल यहाँ पे क्या है, क्योंकि कोई भी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, और जब कोई देता है तो उस पर चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कभी कभी केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन। तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो है इसका दूसरा भाई है, हाँ तो याद रखेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने भाई हैं, मतलब दोष का भी प्रकार होता है। देखो तो यहाँ पे, और हम देख रहे थे सॉलिड स्टेट में, देख रहे हैं शुरू से, जब से दोष पढ़ रहे हैं दोष ही चल रहा है ना, दोष का भी एक पूरा खानदान है यहाँ पे। तो एक होता है आपका सेकेंड, इसका दूसरा भाई एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा भाई का नाम है मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सब ध्यान से देखोगे और नोट करते जाएंगे सब, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल का मतलब क्या होता है, धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष। तो एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पे आप माथा खुजा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है। अरे भाई सीधा बात है, एक्सेस ऑफ कैटायन होगा यहाँ पे, एक्सेस ऑफ कैटायन होगा, और यहाँ एक्सेस ऑफ एनायन होगा, एक्सेस ऑफ एनायन। तो ये जैसे मान लीजिए कोई बैलेंस चीज है, उसमें एक भी कुछ बढ़ जाता है, जैसे अब दो दोस्त है खड़े हैं, दो दो दोस्त खड़े हैं आप लोग, इसको नोट कर लेंगे, दो फ्रेंड है आप लोग, है ना, एक ये है रामू, ये रामू भाई है, और दूसरा ये टकलू है, क्या चीज, श्यामू मान लो इसको, क्या मान लो, श्यामू, ठीक है, एक्सेस बता। अब यहां पे देखिए, इसके पास मान लिया जाए 500 रुपी, मतलब आपके यहां पे जो है, ₹210 है, ठीक है, टोटल कितना है, ₹210, ठीक है। तो मान लीजिए ₹100 ये ले लिया, और इसको मिल गया मान लीजिए 110, तो एक्सेस इसको कितना मिल गया, 10, है ना। तो देखिए दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर बराबर कब होता है, जब इसको मिलता कितना 105, तो इसको भी मिलता 105, तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस। लेकिन मान लीजिए इसमें 100 है, इसको मिला 100, इसको मिल गया कितना 110, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो एक्सेस किसके पास है, इसके पास है, तो एक्सेस समझ में आ गया। तो उसी प्रकार डिफिशियंसी होता है, क्या होता है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब कमी होता है, क्या होता है। अब एक वर्ड आया यहाँ पे डिफिशियंसी, तो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब कमी। जैसे कभी कभी रतौंधी हो जाता है, रतौंधी का नाम सुने, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में नहीं दिखता, कुछ दिखवे नहीं करता है उसको, उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। वो कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से, तो डिफिशियंसी के कारण हुआ किसके। तो आपको यदि पूछा जाए रतौंधी कैसे होता है ना, जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं शायद आप लोगों को पता होगा, तो कहने का मतलब किसके, विटामिन ए की कमी से होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए यहाँ पे बोला जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ठीक, बहुत सारा चीज है ना। तो कहने का अर्थ हुआ, डिफिशियंसी का मतलब समझ में आ गया, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी होता है, क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे सब ना, चलिए हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाइए फटाफट। तो एक नंबर क्या है आपका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस। ये सीधा इससे पता चल रहा है कि भाई यहां पे जो है केटायन ज्यादा होगा, एनायन कम होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, इसको अभी अभी बताए थे, धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष।
अधिक्य मतलब अधिक है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है धातु अधिक्य दोष। और आप लोग इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करते जाएंगे आप लोग, है ना, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी क्या करें, पढ़ ले जिनका नहीं पढ़ा हुआ है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है धातु अधिक्य दोष, ये क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं द डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी कि यहां पे वैकेंसी किसका है, एनायन का, तो एक्सेस कौन हो जाएगा, केटायन। इसी को आप बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ केटायन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, यानी कि मतलब धनायन के अधिक होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसको जल्दी से लिखें, हिंदी बताते जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिए तो इसी को लिख सकते हैं द डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी या वैकेंसी ऑफ एनायन इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब वैसे दोष लिखेंगे सब, वैसे दोष जो ऋणायनिक रिक्तिकाओं ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे दोष जो ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु अधिक्य दोष कहते हैं। यहां पे एक बात याद रखना है, ये दोष जैसे पाया जाता अल्कली हैलाइड, अब ये अल्कली हैलाइड क्या है, अल्कली हैलाइड जैसे मान लीजिए हैलाइड क्यों कहा गया है, जैसे कि पहला जो ग्रुप है वो क्या है, लेना, यानी कि हेलिना आप लोग बोले थे, हेलिना के रब से एफआर मतलब फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे जो है इसको अल्कली मेटल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल। अभी एक शब्द आएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल। और एक है फिर कल बाहर आई अंटी, इसको बोला जाता है हेलोजन, इसको क्या बोला जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है हेलोजन, बात समझिए। तो ये अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, और ये 17th ये जो ग्रुप है इसको कहा जाता है हेलोजन। तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जो है हेलिनाकर रब से फरियाद, हेलिनाकर किससे, रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन तो मेटल है ना, इसको हटा देंगे तो लीनाकर रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और एक है आपका फ्रेंसियम, ये सारे क्या है आपका, ये सारे के सारे क्या है, इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। अल्कली मेटल का मतलब क्षार धातु, अल्कली मेटल क्षार धातु। और 17 नंबर ग्रुप में जो आता है उसको हेलोजन कहा गया, क्या कहा गया, हेलोजन। इसको याद करने का तरीका क्या है, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, तो फिर यानी कि एफ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन और एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई एंटी, तो इसको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन का मतलब होता है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन करके नया चीज बनाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्कली हैलाइड, क्या बोलते हैं, अल्कली हैलाइड। तो अल्कली हैलाइड जो है, कुछ अल्कली हैलाइड जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्या करता है, मतलब शो करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करता है। तो इसको लिख लिया आप लोग, इसको मिटा दो,
तो याद रखिएगा अल्कली मेटल के फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं अल्कली मेटल, और 17th ग्रुप को क्या कहा जाता है हैलोजन, 17th ग्रुप को क्या कहा जाता है हैलोजन। तो जब अल्कली मेटल किसके साथ जुड़ता है हैलोजन के साथ, तो इससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहा गया है अल्कली हैलाइड, क्या कहा गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय हैलाइड। चलिए इसका फटाफट क्या करें आप लोग स्क्रीनशॉट लें, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अल्कली हैलाइड सबको समझ में आ गया ना, तो याद रखिएगा हेलिना कर रफ से फरियाद में हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या होगा लीना कर रफ से फरियाद, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और फ्रेंशियम, और फिर कल बाहर INT यानी कि हैलोजन 17 ग्रुप ये दोनों कंबाइन होगा तो क्या बनेगा जैसे NaCl KCl, इसको क्या बोलते हैं अल्कली हैलाइड। तो यदि कोई उदाहरण पूछे आपको कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो अल्कली हैलाइड आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अल्कली हैलाइड, तो बोल सकते हैं अल्कली हैलाइड लाइक, एक लिख लेंगे एक पॉइंट और इसमें अल्कली हैलाइड लाइक NaCl एंड KCl, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव हेल्प करेगा आपको NaCl KCl, इसको क्या बोला गया अल्कली हैलाइड क्यों बोला गया अभी अभी बताया, ध्यान में रखेंगे अल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl KCl सोच मेटल एक्सेस डिफेक्ट सही है ना, याद रखेंगे। तो यहां पे बोल रहा है क्षारीय हैलाइड जैसे क्या क्या NaCl सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl, यहां पे और लिख देते हैं NaCl एवं KCl धातु अधिक्य दोष को, धातु अधिक्य दोष को क्या करता है प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, तो याद रहेगा आपको है ना, तो याद रखिए। चलिए याद कर लें क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl एंड KCl है, NaCl एंड KCl क्या दिखाता है धातु अधिक्य दोष को प्रदर्शित करता है, धातु अधिक्य दोष को क्या करता है प्रदर्शित करता है। सब लोग जल्दी जल्दी क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए इसी में क्या लिख सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट occurs due to presence of presence of extra cation in an interstitial sites। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट और क्या बताया, एक तो और चीज क्या बताया आपको, हो गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहां छूट गया, क्या चीज डिफेक्ट, तो याद रखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए कोई चीज जब छूटता है ना तो केप लगाते हैं, और इसे लगाने से ऐसे लगा के ऊपर में लिख देते हैं, इससे पता चलता है जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, आप मान लीजिए इस तरह से छूट गया जैसे मेटल एक्सेस के बाद आकर्ष लिख दिए, लेकिन मेटल एक्सेस क्या होगा डिफेक्ट होगा, मान लीजिए डिफेक्ट छूट गया अचानक हाथ आगे बढ़ गया आकर्ष लिखा गया, तो बीच में क्या करते हैं हम लोग कैप लगाते हैं इस टाइप का और ऊपर में क्या लिख देंगे डिफेक्ट, इसका मतलब है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आपको समझाने के लिए ऐसा किया, थोड़ा सा और ठीक से लिख देते हैं पूरा, तो क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डिफेक्ट छूट गया था अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त है ना, केटायन इन एन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल बता चुके हैं, इंटरस्टिशियल बता चुके हैं मतलब जो केटायन है ना इन जो भी हो उसके बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ये ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे कोई प्लस आ गया इसे, इसके पहले देखिए इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जैसे मान लिया NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्या है आपका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है तो अभी इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मान लिया जाए यहाँ पे आपका एक केटायन आ गया, यहाँ एक केटायन आ गया तो ये केटायन कहाँ पे है, ये जो जहाँ पे ये केटायन है जहाँ नहीं रहना चाहिए ये जगह का नाम है इंटरस्टिशियल। क्या नाम है इसका, इंटरस्टिशियल इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इंटरस्टिशियल। इसीलिए इंटरस्टिशियल शब्द का यहाँ यूज किए हैं। तो क्या बोल रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन एन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स अंतराकाशीय स्थल, ये वाला जो जगह है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो जगह है खाली इसी को इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष अंतराकाशी अंतराकाशी स्थलों अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त अतिरिक्त धनायन धनायन की उपस्थिति अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति अतिरिक्त धनायन के उपस्थिति के कारण होता है। एक पॉइंट और मिल गया हमें, तो बहुत चीज बता दी आपको, कैसे भी बता सकते हैं। अल्कली हैलाइड लाइके NaCl एंड KCl सोज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्षारीय हैलाइड जैसे, तो यहाँ क्षारीय हैलाइड कौन किसको कहा गया, अल्कली हैलाइड यहाँ पे कौन है, तो अल्कली हैलाइड जो है यहाँ पे अल्कली हैलाइड किसको कहा गया, NaCl एंड KCl है ना, इसको क्या कहा गया बच्चे, अल्कली हैलाइड। क्यों, चूंकि ये अल्कली मेटल और हेलोजन से मिलकर बना है। सेकेंड पॉइंट आपका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन एन इंटरस्टिशियल साइट। बोला धातु अधिक्य दोष अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन के उपस्थिति के कारण होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे किसका, ये कुछ पॉइंट है आपका किसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। तो चलिए ठीक है, इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले आगे बताते हैं। चलिए इसी के अंदर एक चीज और पढ़ना है, अभी आपको पढ़ाएंगे है ना, ठीक से देखिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो चुका है, इसी के अंदर एक बात पढ़ना आपका एफ सेंटर, क्या पढ़ना है एफ सेंटर। तो अभी हेडिंग लगाएंगे एफ सेंटर, यहां से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका अल्कली हैलाइड है और उसमें कलर्स आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, वो एफ सेंटर होने के कारण, एफ सेंटर बनने के कारण। तो चलिए अभी बताते हैं आपको एफ सेंटर के बारे में। एफ सेंटर इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफ केंद्र। चलिए हेडिंग लगाएंगे फटाफट, क्या लगाइए, एफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ केंद्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एफ केंद्र। अब देखते हैं ये एफ केंद्र होता क्या है। तो एफ केंद्र होता क्या है, इसको हम फारवेन जेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फारवेन जेंटर सेंटर। तो एफ का मतलब होता है, इसको यदि तोड़े हम लोग इसको और क्या लिखा जाता है, फारवेन जेंटर सेंटर। और फारवेन जेंटर जो है, फारवेन जेंटर जो शब्द है ये जर्मन है, ये क्या है आपका, जर्मन वर्ड है, जर्मनी से आया है, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, ये जर्मन वर्ड है, ये आपका जो है, आपका क्या है, ये फारवेन जेंटर सेंटर जो है एक जर्मन वर्ड है,
कौन सा वर्ड है? जर्मन। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। कलर सेंटर क्या होता है बच्चे? कलर सेंटर। तो याद हो गया होगा, तो कंफ्यूजन में ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, याद रखेंगे। तो एफ सेंटर, एफ सेंटर को फुल फॉर्म में लिखे तो क्या होता है? एफ का मतलब यहां क्या है? फार वेन जेंटर। क्या है? और ये जो फार वेन जेंटर सेंटर है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। यानी कि फार वेन जेंटर को आपका, फार वेन जेंटर सेंटर को क्या बोल सकते हैं? कलर सेंटर मतलब रंग केंद्र, है ना। अब देखिए ये आखिर होता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। ये आखिर उत्पन्न होता कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे ध्यान से फिगर को देखिएगा। जैसे ये है माइनस और ये है प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस फिर है प्लस, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है पहले इसको हम समझ लें, ठीक है, ध्यान से। ये फार वेन जेंटर सेंटर है क्या, ये कैसे बनता है, होता क्या है? जैसे मान लीजिए NaCl है, ये क्या है आपका? NaCl। इसको अल्कली हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्कली हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली हैलाइड भी बोल सकते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? और इसको जो है सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए। क्या किया जाए? हीट। हीट का मतलब गर्म। हीट का मतलब क्या होता है? गर्म। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये जो इसका कलर हो जाएगा येलो। कैसा हो जाएगा? येलो। येलो का मतलब क्या होता है? पीला हो जाता है। तो ये पीला क्यों हो गया? एफ सेंटर बनने के कारण, एफ सेंटर बनने के कारण। अब एफ सेंटर ये बना कैसे? एफ सेंटर इसलिए बना क्योंकि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कौन सा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करता है, Cl में तो माइनस होता है, इसका जगह को घेर लेता है। इसका जगह को क्या करता है? ले लेता है। यानी कि एनायनिक साइट को घेर लेता है कौन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना क्या है, एफ सेंटर क्या होता है कि मान लीजिए कोई अल्कली हैलाइड है। क्या है? व्हेन अल्कली हैलाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली मेटल, एक्सेस अल्कली मेटल, देन एनायनिक साइट्स, देन एनायनिक साइट। जैसे यहाँ पे NaCl है, ठीक है, तो इस पर प्लस होता है बच्चा और Cl पर क्या होता है? माइनस। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, तो इसको एनायनिक साइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनायनिक साइट। एनायनिक साइट का मतलब होता है ऋणायनिक स्थल होता है। क्या होता है? ऋणायनिक स्थल। तो यहाँ पे क्या है फंडा कि वैन अल्कली मेटल, यानी कि अल्कली में क्या बोलते हैं, अल्कली हैलाइड, फॉर NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। When alkali halide heated in the presence of, heated in the presence of alkali metal, alkali metal, then anionic sites are occupied by the unpaired electron, which is known as F center. यानी कि anionic जो site है, anionic site जो है किसी unpaired electron के द्वारा घेर लेना ही क्या कहलाता है आपका? F center कहलाता है। तो बोलिएगा ये जो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो भाई सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता सोडियम में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन Ne और 3s1 होता है। s में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, तो 3s1 का ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही अनपेयर्ड, अब देखिए जो बिना जोड़ी वाला रहता है वो ज़्यादा बौखलाता है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बौखला के किसका जगह को ले लेता है? वो एनायनिक स्थान को ले लेता है। क्या आप जानवे करते हैं, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है जो अनपेयर्ड है। तो ये क्या करता है, ये अनपेयर्ड जो है ये क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका जगह को ले लेगा, इसका जगह को क्या करेगा, ले लेगा। और इस घटना को क्या बोला गया है? एफ सेंटर बोला गया है। मतलब आप देखिए सीधी बात है, याद रखेंगे कि जब क्षारीय हैलाइड को क्षार धातु के आधिक्य में या क्षार धातु के अधिक मात्रा में या अधिक अधिक्य में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणायनिक स्थान को घेर लेता है। और इस घटना का क्या नाम रख दिया? एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है? जर्मन वर्ड है, याद रखें। कहाँ की भाषा है? ये जर्मन, और इसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो चलिए पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर से फिर से एक बार समझा देंगे। तो कुछ नए बच्चे, ये स्थिति कब उत्पन्न होता है?
जब हम लोग अल्कली मेटल अल्कली हैलाइड को अल्कली मेटल के प्रेजेंस में हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ समझने की कोशिश करें ये होता क्या है। तो लिख सकते हैं व्हेन अल्कली हैलाइड, व्हेन अल्कली हैलाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली, व्हेन अल्कली हैलाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली मेटल देन एनायनिक साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which is known as F center। तो क्या लिखा हुआ, when alkali halide is heated in the presence of excess alkali metal, then anionic sites are occupied by the unpaired electrons, which is known as what? F center। लिख लिए सब, तो याद करें इसको, बेन अल्कली हैलाइड, किसको, अल्कली हैलाइड फॉर एग्जांपल NaCl, KCl है ना, LiCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली मेटल। एक्सेस का मतलब आप बोल सकते हैं अल्कली मेटल का जो वेपर है उसके प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे। तो एनायनिक साइट्स जो है, एनायनिक साइट्स आर ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब होता है घेर लेना, क्या करना, घेर लेना। ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है, ले लेना, घेर लेना, किसके द्वारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज नोन एज एफ सेंटर। ठीक है, याद हो गया होगा सबको, व्हेन अल्कली हैलाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली मेटल देन एनायनिक साइट्स किसको घेर लेता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतने तो याद रखना भाई, अल्कली मेटल लेंगे उसको क्या, किसके उपस्थिति में गर्म करेंगे, अल्कली मेटल के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो होता क्या, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको घेर लेगा, एनायनिक साइट को घेर लेगा, और इस घटना को क्या कहा गया, एफ सेंटर, क्या कहा गया, एफ सेंटर। तो चलिए इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी बताते हैं, यहां पे लिख देते हैं। तो क्या लिखिएगा, जब क्षारीय हैलाइड को, जब क्षार धातु की उपस्थिति में गर्म या क्षार धातु की अधिकता क्षार धातु की अधिकता, या इसी बोल सकते हैं अधिक क्षार धातु, और आसान हो जाएगा, क्षार धातु की उपस्थिति मैं गर्म किया जाता है, तब ऋणायनिक स्थल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दिख रहा है सबको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के
द्वारा घेर लिए जाते हैं। जिसे एफ केंद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एफ केंद्र कहते हैं। याद हो गया होगा, जब क्षारीय हैलाइड को अधिक क्षार धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऋणानिक स्थल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घेर लिए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एफ सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ सेंटर। याद हो गया। जब क्षारीय, देखो क्षारीय हैलाइड मतलब समझ में आ गया ना सबको, जैसे हेलोजन और अल्कली मेटल को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका? अल्कली हैलाइड बनता है। जैसे NaCl, KCl, मान लिया आप NaCl लिए और NaCl को Na के प्रेजेंस में, मतलब सोडियम के प्रेजेंस में गर्म कर देंगे तो उसका कलर में चेंजिंग आ जाता है। और इस बात को यहाँ पे क्या बोला गया? एफ सेंटर। क्या बोला गया? एफ सेंटर। इसका फिगर से समझा देते फटाफट, क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, एफ सेंटर में क्या याद रखना है? एफ सेंटर इंपार्ट्स, एफ सेंटर इंपार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल। क्या याद रखना है? एफ केंद्र जो है, अब यहां पे देखिए एफ केंद्र, इंपार्ट का मतलब होता है देना, प्रदान करना। इंपार्ट का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। तो एफ केंद्र क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान। फटाफट फिगर देख ले। तो एफ सेंटर कैसे बनता है उसका फिगर आपको दिखा रहा है। जैसे ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा होने का डर है तो कम ले सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ठीक होगा ना, तो इससे हम क्या करते हैं? बनाते हैं, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देख सकते हो एफ सेंटर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, ध्यान पूर्वक देखें। तो इस तरह से क्या करेंगे? बना लेंगे। आप चूड़ी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में बना रहे तो सिक्का भी ले सकते हैं। तो देखिए आपका क्या है, आपका एफ सेंटर, इसको देख रहे थे ना, हीट हो गया था मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे एफ सेंटर, इसी को हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। कहने का मतलब है क्या, यहाँ बताया कि आपको जैसे NaCl है और इसको Na के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये इसका जगह को घेर लेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आपका एफ सेंटर। तो आप इसको याद रखेंगे, ये फिगर है किसका? एफ सेंटर का। क्या है ये फिगर? ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका? जो कि देखिए प्लस के बाद, प्लस के बाद क्या आता है? माइनस आता है। तो ये माइनस जगह को क्या किया है? घेर चुका है। नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एफ सेंटर का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको घेर लेता है? मतलब एनायनिक साइट को। एनायनिक का मतलब क्या होता है? एनायनिक का मतलब होता है आपका बोल सकते हैं ऋणायनिक स्थल। क्या बोल सकते हैं इसको? ऋणायनिक स्थल। तो ये आपका है एफ सेंटर, ठीक है। और इसमें बता रहे थे कि जब इस पर लाइट पड़ता है, क्या पड़ता है? लाइट, यानी कि विजिबल लाइट बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाता है और जिस कलर को इन्होंने एब्जॉर्ब करता है उसी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जैसे नमक है, NaCl है, उसको Na के प्रेजेंस में हीट करेंगे और उसके बाद फिर
तो वहाँ क्या बनेगा, एफ सेंटर। एफ सेंटर बनने के कारण जब उस पर लाइट पड़ेगा तो जो मतलब आपका क्रिस्टल है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके बाद फिर क्या होगा इसमें कि जो एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड होने के बाद रिफ्लेक्ट कर देता है कलर को। अब नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं लास्ट, वो है मेटल डिफिशेंसी डिफेक्ट। तो इसको मिटाते हैं, इसका क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग। तो अभी देखेंगे हम लोग, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, हेडिंग लगाएंगे सब लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो डिफिशियंसी का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, कमी होता है। तो हेडिंग देंगे सब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको धातु न्यूनता दोष। चलिए देखिए, अच्छा एक बात और इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में एफ सेंटर के अंदर, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, और इसको हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में हीट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे हीट, तो ये हो जाएगा कैसा कलर का, येलो, ठीक है। उसी प्रकार जैसे LiCl है और इसको हीट करेंगे Li के प्रेजेंस में, Li मतलब क्या है, लिथियम है, इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा पिंक, कैसा हो जाएगा आपका, पिंक, पिंक का मतलब गुलाबी, ठीक है। KCl है, KCl को के प्लस मतलब पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के प्रेजेंस में हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वायलेट कलर देगा, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैंगनी। एक और है जैसे मान लीजिए ZnO है, ZnO, इसको यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट हैपेंड व्हेन ZnO इज हीटेड, क्या होता है जब ZnO को हम लोग हीट करेंगे, तो इसको हम लोग सिंपली हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब है ये बन जाता है ZN 2 प्लस आयन प्लस हाफ O2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन। और कलर जो होता है इसका, इसका कलर जो चेंज हो जाता है, इसका कलर आ जाता है येलो, कैसा हो जाता है, ये भी वाइट पाउडर होता है ZNO, लेकिन ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल कुछ है, जल्दी से लिख लें इसको, याद रखिएगा इसको, फटाफट लिखें आप लोग। हो गया, तो इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए, पूछा जा सकता है कि कौन सा, और ये होता है किसके वजह से, एफ सेंटर बनने के कारण, ये किसके कारण होता है, एफ सेंटर बनने के कारण, ठीक है। तो क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो याद रखिए NaCl को हीट करेंगे Na के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, येलो। LiCl को Li के प्रेजेंस में करेंगे तो पिंक देगा। KCl को K के प्रेजेंस में करेंगे तो वायलेट। और ZnO को जब हीट करेंगे हम लोग जिंक ऑक्साइड को, तो इसका कलर भी येलो हो जाता है। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका लास्ट जो है पॉइंट आपका दूसरा जो था, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। अब देखना ये होता क्या है, हाँ तो देखिए अभी पढ़ेंगे हम लोग लास्ट जो है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, देखेंगे ध्यान से सब क्या आपका मेटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है, डिफेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे कि आप मान लीजिए NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो इसमें जो है प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज केटायन, यानी कि केटायन, केटायन की कमी से होगा। तो डिफिशियंसी का मतलब देखिए मेटल, मेटल यहाँ पे है, मेटल का मतलब यहाँ पे है आपका पॉजिटिव केटायन, केटायन को यहाँ क्या कहा गया, क्या कहा गया, मेटल। तो आप सीधा बोल सकते हैं द डिफेक्ट विच
विच अकर्स ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। याद करें इसको क्या लिखा हुआ है, द डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। अब देखिए मेटल डिफिशियंसी था, ये मेटल एक्सेस था, तो वहां की डिफिशियंसी किसकी थी, मतलब क्या बोल सकते हैं, कौन सा वैकेंसी था, एनायनिक वैकेंसी था, और यहाँ मेटल डिफिशियंसी है तो यानी कैटायनिक वैकेंसी हो जाएगा। इतने तो याद रखना है, धनायनिक वैकेंसी यहाँ होगा, मतलब धातु न्यूनता दोष में धनायनिक रिक्तिका होगा, तो क्या बोल सकते हैं, वैसे दोष, वैसे दोष जो जो धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण, धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण उत्पन्न होता हो, उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इसका उदाहरण याद रखिए, अब कुछ कुछ देखिए, जैसे FeO इसी के अंदर आएगा, एक NiO आता है इसी के अंदर आएगा, एंड एक FeS। तो याद रखेंगे, कभी कभी उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से जो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किस में पाया जाता है, तो अधिकांश जो आंसर होता है आपका FeO होता है, क्या होता है, FeO रहता है आपका ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से देखिए मेटल, तो वैसे दोष जो धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखें। तो इस तरह से आज क्या क्या खत्म किए बच्चे, आज हम लोग एफ सेंटर पढ़े, है ना, नया चीज सीखने को मिला, एफ सेंटर, फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो दोष था, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। इस तरह से डिफेक्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है इस चैप्टर में, अब डिफेक्ट इसमें नहीं पढ़ना है, डिफेक्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब जो शुरू होगा न्यू टॉपिक वो है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दो टॉपिक और बच गए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।